देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। बाढ़ पीड़ितों की समस्या सुन बिखरे मंत्री। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारी बारिश ने तबाही मचाई है, उसके बाद लोगों ने सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब बाढ़ पीड़ित प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने लोगों की तकलीफ कम करने की बजाय अपने बयान से और बढ़ा दी। मंत्री का लोगों के साथ बात करता हुआ एक वीडियो सामने आया है। दरअसल सरकार के मंत्री हुकुम सिंह सीतामाओ और सुवासरा तहसील का दौरा करने के लिए लोगों के बीच पहुंचे, तो कुछ गांव वालों ने उन्हें अपनी समस्या बताई। और अच्छा मुआवजा देंगे और अच्छा घर बन सके। चार दिन से पानी वाली चाय बच्चे पी रहे थे, मैं दूध देने आया था शाम को, ये स्थिति है। पानी की चाय बना कर मैंने, मतलब मेरे सामने कप देखा और तुरंत पापा को फोन लगा कि दूध मंगवाया सर, ये स्थिति। आप सोच सकते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे पानी वाली चाय पी रहे हैं। क्या चाहते हैं, दूध की व्यवस्था करवाइए, ऐसा कुछ उपचारित मिले सर उनको थोड़ा सा। सर आप आए हो स्पेशल यहाँ पे सर, भोपाल से, तो कुछ उनको की व्यवस्था कैसे होगी बताइए। पैकेट वगैरह आता है भाई सर, कुछ भी ऐसी थोड़ा बहुत भी अगर सर, कौन करेगा सर? आप मैं दूध लाऊंगा सर, आप लाओगे नहीं? आपकी तरफ से कुछ सर किया जाए, कुछ तो दिया जाए लोगों को वर्तमान में। आप स्पेशल आए हो भोपाल से सर? मैं इसलिए नहीं आया, मुआवजा बांटने आया, दूध देने नहीं आया वहाँ सर। दूध की नहीं, स्पेशल से कुछ तो नहीं। लोगों का कहना था कि गांव में 3 दिनों से दूध नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से कई बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा है। हुकुम सिंह ने लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो लोगों ने कहा दूध के पैकेट बंटवाने की व्यवस्था कर दीजिए। लोगों ने जब मंत्री जी से दूध के पैकेट बंटवाने की अपील की, तो मंत्री ने कार में बैठते हुए कहा कि वो इलाके में दूध बांटने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वह लोगों को मुआवजा देने के लिए आए हैं। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब फिलहाल वक्त हो चल रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।